इस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौगछिया भागलपुर। ऑनलाइन कक्षा देने वाला नौगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन लें और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488568 9234623333। भागलपुर जिले में चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज 8वां सवाल। किस महापुरुष का जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए बाल गंगाधर तिलक, बी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद या डी रविंद्रनाथ टैगोर। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ज्यादा और अधिक दिन तक सही जवाब देने वाले को जीएस न्यूज की तरफ से मिलेगा एक शानदार उपहार। साथ ही हम करेंगे उनके साथ एक इंटरव्यू, खास मुलाकात। अब 9 जुलाई से लॉकडाउन 16 जुलाई तक। भागलपुर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी ने आज 9 जुलाई 2020 के पूर्वाह्न 6 बजे से 16 जुलाई 2020 पूर्वाह्न 6 बजे तक भागलपुर शहरी क्षेत्र नगर परिषद 6 सुल्तानगंज नगर पंचायत क्षेत्र कहलगांव एवं नौगछिया में संपूर्ण लॉकडाउन करने की सूचना दी है। जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पहले 13 जुलाई तक का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब 16 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान आवश्यक दुकानें जैसे मेडिकल स्टोर, दूध, सब्जी, किराना दुकानें, सरकारी कार्यालय व बैंक खुले रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान संध्या 6 बजे से सुबह 6 बजे तक ट्रक चलेंगे। साथ ही जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारियों व प्रशासनिक पदाधिकारियों को मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के निर्देश भी दिए हैं। नवगछिया में 21 लोग पाए गए हैं कोरोना से संक्रमित। नवगछिया में कोरोना विस्फोट लगातार जारी है। संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि जारी है। बुधवार को नवगछिया में कोरोना संक्रमित पाए गए मरीजों में एक नवगछिया थाना, एक पुलिस लाइन, एक मददपुर गांव सहित से सभी लोग नवगछिया के मुमताज मोहल्ला सही टोला कालियास्थान मेन रोड के लोग शामिल हैं। मुमताज मोहल्ला के एक ही परिवार के 8 सदस्य संक्रमित पाए गए हैं। मरीजों को स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा कोविड-19 सेंटर इलाज के लिए भेज दिया गया है। नौगछिया अनुमंडल अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि पॉजिटिव पाए गए सभी मरीजों की रिपोर्ट मंगलवार की देर रात को आई थी। कुल 21 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव पाए गए मरीज को इलाज के लिए कोविड-19 सेंटर भेज दिया गया है। नौगछिया में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या 236 के पार। नौगछिया अनुमंडल में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या 236 से भी अधिक हो गई है, जबकि कोरोना से अब तक खरीक और नौगछिया में कुल 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने नौगछिया अनुमंडल के विभिन्न प्रखंडों में कुल 5000 लोगों के सैंपल की जांच कर चुका है। अनुमंडल में 300 लोगों की रिपोर्ट पेंडिंग है। नौगछिया शहर और खरीक प्रखंड इन दिनों कोरोना हब बनता जा रहा है। दोनों जगहों पर कंटेनमेंट जोन का सख्ती से पालन नहीं कराया जा रहा है, जिससे आए दिन कोरोना रोगियों की संख्या में और ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना है। नल जल ऐप से करें इस योजना की शिकायत। सीएम नीतीश कुमार की अति महत्वाकांक्षी योजना हर घर में नल का जल योजना की शिकायत हेतु प्रशासनिक अधिकारी द्वारा नल जल ऐप बनाया गया है। इस ऐप के माध्यम से कोई भी आदमी अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। बताते चलें कि 3-4 वर्ष इस योजना की राशि की निकासी के बावजूद लोगों के घरों में नल का जल नहीं पहुंच पाया है। वरीय उप समाहर्ता सह इस्माइलपुर के प्रभारी पदाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि इस योजना की स्थल जांच कर रिपोर्ट डीएम को भेजी जाएगी। राजद अल्पसंख्यक सेल के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे नौगछिया, कहा कोरोना के माध्यम से बिहार और बंगाल का चुनाव जीतना चाहती है भाजपा। राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में पहुंचे राजद अल्पसंख्यक सेल के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर खालिद ने कहा कि कोरोना काल में कोरोना के माध्यम से ही भाजपा बिहार और बंगाल का चुनाव जीतना चाहती है। यही कारण है कि सरकार नवंबर से पहले ही चुनाव संपन्न करवाना चाहती है, ताकि बिहार में ज्यादा दिनों तक राष्ट्रपति शासन ना लगे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में 28 लाख से अधिक मजदूर बेरोजगार हो गए। बिहार सरकार उनकी रोजी रोटी के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। नवगछिया के सिंहकुंड में हो रहा भीषण कटाव। नवगछिया के कोशी नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से खरीक प्रखंड के सिंहकुंड में तकरीबन 700 मीटर के दायरे में भीषण कटाव शुरू हो गया है। किसानों की उपजाऊ जमीन कटकर कोसी में समा रहा है। कई लोगों का घर कटकर कोसी में समा चुका है। ऐसे कई लोग हैं जिनके घर कटाव के मुहाने पर है। जिस रफ्तार से कटाव हो रहा है, इससे कभी भी मुहाने पर बसे लोगों का घर ध्वस्त होकर कोसी में समा जाएगा। नवगछिया के NH31 खरीक में यात्रियों से भरी बस ने मारी पलटी। राष्ट्रीय राजमार्ग NH31 पर खरीक प्रखंड मुख्यालय डेरी के समीप पूर्णिया से बेगूसराय जा रही यात्रियों से भरी बस BR9M 6681 तूफान डिलेक्स पलटकर
गहरी खाई में चली गई, जिससे तकरीबन 2 दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए। जख्मी यात्रियों में बिहार के विभिन्न जिले के विभिन्न लोग शामिल हैं। बस के खाई में पलटने के बाद चालक भागने में सफल रहा। बस पर किसी यात्री का डिक्की में तकरीबन 50 टीन रसगुल्ला भरा हुआ था। पुलिस ने बस और रसगुल्ला से भरे टीनों को अपने कब्जे में ले लिया है। बस दुर्घटनाग्रस्त होने पर जख्मी यात्रियों ने बताया कि सड़क पर निर्माण कार्य चल रहा था, वन वे गाड़ियां चल रही थी। चालक की लापरवाही के कारण बस को सड़क पर रोकने के बजाय कच्ची मिट्टी पर उतार लिया, जिससे बस खाई में पलट गई। नवगछिया में हाईवा ने मोटरसाइकिल में मारा ठोकर, युवक की मौत गंभीर। नवगछिया थाना क्षेत्र के बाबा विश्व राउत पुल पहुंच पथ पर महादेव धर्मकाटा के समीप अनियंत्रित हाईवा के धक्के से मोटरसाइकिल सवार युवक रंगरा थाना क्षेत्र के मुरली बनिया निवासी छोटू शर्मा 25 वर्षीय पिता वासुदेव शर्मा की मौत हो गई। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल पर सवार युवक मधेपुरा जिले के चौसा थाना क्षेत्र के लौवा लगम निवासी शैलेंद्र चौधरी पिता वासुदेव चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दुर्घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची नवगछिया पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल को तत्काल इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया एवं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। नारायणपुर में क्रिकेट खिलाड़ी का निधन। नारायणपुर प्रखंड के प्रख्यात सनलाइट स्पोर्ट क्लब नारायणपुर के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कफील अहमद उर्फ लल्लू 85 वर्षीय का निधन मंगलवार की रात्रि शुगर की बीमारी के कारण आकस्मिक हो गया। उनके निधन से खेल जगत ही नहीं पूरे क्षेत्र में शोक व्याप्त है। वे अपने पीछे पत्नी पुत्र पुत्री से भरा पूरा परिवार छोड़ चल बसे। उनके निधन पर उनकी अंतिम यात्रा में मिट्टी देने के लिए टीम के पूर्व कप्तान नित्यानंद यादव, प्रभास यादव सहित कई अन्य जनप्रतिनिधियों समेत बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने शामिल होकर मिट्टी दिया। अब पैसा नहीं बनेगा पढ़ाई में बाधा। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना, पढ़ना और खाना बिल्कुल फ्री। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA सहित नर्सिंग कोर्स में ले निःशुल्क नामांकन। हमारा पता है MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8228-9569-05, 88-73-97-36-80। ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371-1787 7325052437 पर। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। बैग चॉइस, बैग चॉइस। महेंद्र लस्सी वाले के सामने पोदार गली नवगछिया। अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, फ्लाई, कैमिलियंट सहित सभी ब्रांड के ट्रॉली, सूटकेस बैग, स्कूल बैग, लेडीज पर्स सहित सभी प्रकार के बैग के लिए एक बार जरूर संपर्क करें। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल 8294-855-586। बैग है लेना तो बैग चॉइस ही है जाना।